श्री राम, जय माता की, जय बालाजी महाराज। कई भक्तों से आपने सुना होगा कि मुझे माँ दुर्गा ने दर्शन दिए, मुझे आज रात स्वप्न में मुझे माँ दुर्गा ने दर्शन दिए। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या लगता है आपको? क्या माँ दुर्गा भक्तों को दर्शन देती है? क्या आप, ये कोई मजाक तो नहीं है या कोई झूठ बातें तो नहीं बता रहा कोई भक्त? अगर है तो कैसे संभव हो सकता है? मल मूत्र शरीर को कैसे, हमारी आंखों में वो तेज कैसा है कि हम दुर्गा माँ के दर्शन कर सके? तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को छोड़ के मत जाना कहीं भी, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही और नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। तो क्या होता है कि जब भी कभी भी हम अपनी माँ की आराधना करते हैं, आत्मा पवित्र होनी चाहिए। जब भगवान के प्रति आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है तो आपको हर जगह अपनी माँ के अलावा कोई और नहीं दिखता है। ये बात याद रख लेना, माँ के अलावा कोई और नहीं दिखता है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि बड़ी सभा में भगवान राम के श्री चरणों में जब हनुमान जी विराजमान थे, उन्होंने जब लंका, जब विभीषण ने एक मोतियों का हार दिया था माता सीता को, माता सीता ने वही हार जो था हनुमान जी को दे दिया था। हनुमान जी ने उस हार को देखा, बड़े ध्यान से देखा, सारी प्रजा इस बात को देख रही थी, लेकिन हनुमान जी ने थोड़े ही क्षण के बाद उस हार को तोड़ा, मुंह में डाला, देखा और तोड़ दिया, तोड़ा मुंह में डाला, देखा और तोड़ दिया। तो उसी चीज पर लंकेश जो था विभीषण, वो बोला कि हनुमान जी ये क्या कर रहे हो, आप किसी का दिया उपहार का अपमान कर रहे हो। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मुझे इसमें मेरे प्रभु की मूरत नहीं दिख रही है। तो वहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो सच्ची आत्मा होती है उसे माँ के दर्शन होते हैं, जो पवित्र आत्मा होती है उसे माँ के दर्शन होते हैं, और माँ स्वयं अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए आती है, स्वयं अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए आती है। और अपने बच्चे को, आपको ये भी महसूस होता होगा कि जैसे माँ ने, अगर रामकिशन परमहंस जी माँ काली के भगत, ऐसे भगत जो कि अविश्वसनीय कार्य उन्होंने किया, कोई व्यक्ति विश्वास ही ना करे, क्योंकि जिसके अंदर धर्म के प्रति जागरूकता नहीं होगी या अपनी माँ पर विश्वास नहीं होगा, तो उन व्यक्तियों को, और नास्तिक व्यक्ति जो इस वीडियो से वैसे भी दूर रहे, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये आज से जुड़ी हुई है, विश्वास से जुड़ी हुई है। जिसका अपनी माई के प्रति विश्वास है, जिसका अपने इष्ट, अपने आराध्या के प्रति विश्वास है, उनके साथ हर कार्य संभव है, हर कार्य संभव हो सकता है उन व्यक्तियों के साथ जिन्हें अपनी माँ दुर्गा से प्रेम है, अपनी माँ कालका से प्रेम है, अपनी जगत जननी से प्रेम है। उन्हें माँ आकर खिलाती भी है, लोहड़ी भी दिलाती है, और उन्हें, उनसे माँ प्रसन्न भी होती है, और उनके साथ अंग संग रक्षक बनकर भी चलती है। एक भक्त मेरे पास, भक्तनी है, एक माता की पूजा करती है, और मेरे पास आई तो उन्हें ये महसूस हुआ, उन्होंने मेरे से बताया कि गुरुजी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि माँ दुर्गा मेरे साथ मेरी एक्टिवा पे बैठकर जा रही है। अब कह दो ये झूठ है, और जगत की शक्ति उसके एक्टिवा पर नहीं बैठ सकती। क्यों क्यों नहीं बैठ सकती, क्यों नहीं बैठ सकती? जिसकी आत्मा में करुणा है, जिसकी आत्मा में दया है, माँ के प्रति भाव है, ऐसी शक्ति, ऐसी कृपा को, ऐसे अंश को माँ अपने अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देती है। स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन देती है, और आत्मा की टचता के माध्यम से भी दर्शन देती है, और उन्हें महसूस भी कराती है कि मैं तेरे अंग संग हूं। सच्ची आत्मा परमात्मा की होती है, ये सच्चाई है। और अगर आपको कोई भी भक्त ऐसा बोले कि मुझे हनुमान जी दर्शन देते हैं, माँ दुर्गा दर्शन देती है, बाबा गोरखनाथ जी दर्शन देते हैं, और ये सच्चाई है, देखो आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन आत्मा की आवाज को देवता जरूर सुनते हैं। क्योंकि जब भी कोई आत्मा अपने परमात्मा को याद करती है, हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है, और ये शरीर जो है, जो आपको पता है कि इस देह का त्याग होना ही होना है, ये शरीर जो है नश्वर है, इस शरीर का त्याग होगा, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली जो है आत्मा रहती है, जो कि स्वयं परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है। जब वो आत्मा परमात्मा से टचिंग उसकी होने लग जाती है, उसका मिलन होने लगता है, तो रामकृष्ण परमहंस जी जैसा कार्य उनके साथ होने लगता है। सो माँ उन्हें खिलाती है, सो माँ उन्हें लोरी दिलाती है, सो माँ उनके साथ एक्टिवा पर चलती है। ये जब संभव है, ये जब संभव है, जब उनकी भक्ति अपनी माँ के प्रति एक अलग लेवल पर होती है। अगर आपकी भक्ति में भी इस प्रकार का कोमलपन है, अगर आपकी भक्ति में भी इस प्रकार का पारदर्शीपन है, तो आप भी माँ की बच्ची हो, माँ के प्यारे हो। क्यों? क्योंकि माँ तो अपने बच्चे के प्रति सब कार्य करती है,
सब कार्य है अपने पिता से भी। आपने देखा नहीं आपकी स्वयं की जन्म देने वाली माँ, तो वो भी आपकी रक्षा करती है आपके अपने पति से, आपकी आपकी रक्षा करती है ताकि मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। क्यों? माँ का नाम करना है, दया है, माँ से और प्रेम है। और माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी माँ ने स्तनपान करवाया है। आप ये सोचिए कि जब माता अनुसुईया की कहानी आपने सुनी होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्तनपान करने के लिए आए थे, तो माँ से बड़ा कोई नहीं है संसार में। इसी प्रकार से जो अगर कोई भक्त आपके सामने ऐसा कह देता है कि मुझे माँ दुर्गा की दर्शन हुए हैं, मुझे माँ के दर्शन होते हैं, स्वप्न में होते हैं, रोज होते हैं, तो आप मानो चाहे ना मानो ये सच्चाई है। उसे उसकी आत्मा की टचिंग जो है परमपिता परमात्मा से हो चुकी है, उसे महसूस होता है। हाँ कई बार ऐसा है, लेकिन माँ स्वयं जो ब्रह्म शक्ति है वो किसी की देह में प्रवेश नहीं करती है। उनके अंश, उनकी योगनियां, उनकी यक्षिणियां शरीर में प्रवेश करती है। माँ का तत्व आपके शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन माँ का तेज आपके शरीर में अंश मात्र समाता है। उसी तेज से उसकी कृपा आपको प्राप्त होती है और वही चीज आपके मन में आपकी धड़कनों को बढ़ाती है। तो अगर कभी भी आपके साथ कोई व्यक्ति जैसे जगराते में कहीं कह दिया, ये कह दिया, ये माता आ गई, आ गई, देखो माँ की यक्षिणी आती है, माँ की योगनी आती है और अपनी माँ के लिए आती है, वो आपके लिए नहीं आती है। अपनी माँ के लिए आती है, अपनी माँ के गुणगान को सुनकर आती है, माँ के भक्ति भाव को सुनकर आती है। जिस व्यक्ति के पास भाव होता है वहीं पर वो प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है और उनकी आदर और भाव करती है। अब मान लीजिए किसी ने हनुमान जी की पूजा करी या माँ दुर्गा की पूजा करी है, क्या मरण उपरांत वो पूजा उसकी छूट जाएगी? क्या नहीं छूटेगी? वो उन्हीं के लोक को जाता है, उन्हीं के परलोक को जाता है, उन्हीं के द्वार जाता है। तो अगर आप भी माँ दुर्गा की बच्ची हो, अगर आप भी माँ की भक्त नहीं हो या भक्त हो, अगर आप भी माँ कालका की पूजा करती हो, अपनी इष्ट आराधना और अपनी कुल देवी शक्ति की पूजा करते हो, तो याद रखना आपको वो दिन दूर नहीं है जिस दिन स्वयं माँ के दर्शन, अटूट कृपा रूपेण दर्शन आपको प्राप्त होंगे और आपके अंग संग आपको अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, ऐसे संकेत आपको प्राप्त होते हैं, तो ये संकेतों से, इस वीडियो से सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी। मैंने वीडियो में ये जो बातें बताई है ना, ये प्रैक्टिकल बातें हमारे साथ भी होती है। कोई ऐसे नहीं है जो ये बातें कोई हवा में उठती मैंने उजाड़ दी। जिसकी आत्मा सच्ची है, जिसकी आत्मा में पारदर्शन है, अपनी माँ को पाने की इच्छा प्रकट होती है। मान लीजिए आप माँ दुर्गा के मंदिर में गए हो या कहीं माँ के स्वरूप के सामने हो और आप माँ से कुछ मांग रहे हो और माँ तो आपका हृदय देख रही है, वो हृदय वाक्य में रियलिटी में ही माँ के लिए धड़क रहा हो, तो क्या माँ इतनी भी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि अपने बच्चे की प्रार्थना को ना सुने? तो अगर वीडियो अच्छी लगती है और आप माँ के प्यारे चैनल से जुड़े हो तो लाइक करना, बाबा के प्यारे और माँ के प्यारे चैनल को पूरा सपोर्ट जो है आप भक्त करते हो, तो इससे मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और वीडियो को लाइक करना और 10 लोगों को, 20 लोगों को शेयर करना, उन लोगों को जो ये कहते हो कि हाँ मैं माँ, आप जो माँ आपको दिखती है, ये नहीं दिखाई देती है, क्या क्या है, उनकी सारी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।